दिगरस तहसील कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को केंद्र सरकार के कृषि कानून सहित महंगाई के विरोध में तहसील कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस विषय पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानून और महंगाई का विरोध किया है। दिगरस शहर में तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे ये शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी है, जो केंद्र सरकार की किसान तथा सामान्य नागरिक विरोधी नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करने यहां इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर कमेटी की ओर से तहसीलदार के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। कमेटी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा किसानों के मर्जी के बगैर उन पर थोपे गए 3 कृषि कानून किसानों के लिए भविष्य में नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। इसमें भला केवल अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों का है। खुद को देश का चौकीदार बताने वाले प्रधानमंत्री के पास बंगाल में भाजपा के चुनाव के लिए समय है, लेकिन देश के किसानों के लिए वक्त ही नहीं। इस बात पर भी यहां अफसोस जताया गया। केंद्र सरकार ने जे किसान विरोधी कायदे पास के लिए है, त्यांच्या विरोधात आमचा लढा चालू आहे। दिल्ली येथे आज आपला देशाचा अन्नदाता, आपला जगाचा पोशिंदा किसान हा रस्त्यावर उतरलेला आहे। केंद्र सरकारला जागा नाही आहे। आपले PM साहेब तिथे पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारासाठी रॅलीसाठी जात आहे, त्यांना त्यासाठी वेळ आहे, परंतु किसानसाठी त्यांना बोलायला वेळ नाही आहे। आम्ही ह्या केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करतो। जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा चालू राहणार। आज दिनांक 26 मार्च रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आदेशानुसार दिग्रस तालुका काँग्रेस कमिटीतर्फे ज्या शेतकऱ्यावर या सरकारने केंद्र सरकारने अन्याय केलेला आहे, 3 काळे कायदे पारित केलेला आहे, या पारित केलेल्या कायद्याविरोधात आज 2 ते 3 महिन्यापासून दिल्लीमध्ये शेतकरी बसलेले आहेत। त्यांच्यावर एवढा अन्याय होत आहे, हा अन्याय या सरकारने करू नये। इस मौके पर किसान आंदोलन के अलावा देश भर में अद्भुत तरीके से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के एवज में उपज रही महंगाई पर चिंता जताई गई। महाराष्ट्र मध्ये ठिकठिकाणी जिल्ह्याच्या ठिकाणी तालुक्याच्या ठिकाणी या 3 कायद्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी येऊन बसलो आहोत। आज आपल्याला मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की जो देशाचा पोशिंदा आहे शेतकरी, या शेतकऱ्याला जीवाला मारण्याचा काम हे मोदी सरकार करत आहे। म्हणून माननीय टिकत साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये देशाच्या संपूर्ण राज्यामध्ये हे आंदोलन सतत 8 महिन्यापासून सुरू आहे। भारताच्या इतिहासामध्ये, जगाच्या इतिहासामध्ये अशी गोष्ट यापूर्वी कधी घडलेली नाही आहे, आणि दुसऱ्या पाश्चिमात्य देशामध्ये सुद्धा या आंदोलनाची दखल घेऊन माननीय मोदी साहेबांना त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की भारत हे लोकशाही प्रधान देश आहे, आणि या लोकशाही प्रधान देशामध्ये तुम्ही जे शेतकऱ्याची अवहेलना करून राहिलेले आहे, याच्यामुळे तुमच्या प्रतिष्ठेत डाग पडत आहे। कुल मिलाकर लॉकडाउन की मार से रोजगार ठप पड़ा है, किसान वर्ग हताश है, नौकरियों का कोई अता पता नहीं, और ऐसे में डीजल पेट्रोल की कीमतों में आए उछाल के बाद आसमान छूती महंगाई से आम जनता निढाल हो रही है। इन तमाम तरह के मुद्दों पर कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन देश के सामने खड़ी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। BCN न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।